जय श्रीमान, सैनिक स्कूल नगरोटा के 52 कैडेट सम्मान। Developed Sainik School Nagrota app, sir. You can download it by just scanning the QR code, sir. So let me show you the working of the app, sir. So you can also contact us, email us, and you can see the school YouTube channel, Facebook channel, and many more things in the homepage, sir. The location given by the school number 424, Cadet Anurag Sharma, class 11. Then this enemy chasing vehicle will start chasing the enemy until it is in his range. सैनिक स्कूल नगरोटा में आप सभी के बीच उपस्थित होना मेरे लिए आनंद का अवसर है। मुझे विशेष रूप से सैनिक स्कूल नगरोटा के आदर्श वाक्य ज्ञान, वीरता, अनुशासन ने बहुत ही आकर्षित किया है। आप सब जानते हैं कि आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। 2027 तक विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। मैं समझता हूं कि एक संकल्प के साथ अगर देश आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से ये लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। और इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट जो होगा वो युवा चेतना, यूथ लीडरशिप और उनका नॉलेज पावर होगा। इस यात्रा में यह महत्वपूर्ण होगा कि लक्ष्य के प्रति नगरोटा से निकले हुए हमारे ऊर्जावान छात्र या ऊर्जावान नई पीढ़ी के संकल्पों की इंटेंसिटी कितनी है, उसी गति से हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, इमेजिनेशन, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन जैसे लाइफ स्किल सीखना आज की महती आवश्यकता है। अपने आसपास जितने भी इन्वेंशंस आप देख रहे हैं वह क्रिटिकल थिंकिंग, इनिशिएटिव और सेल्फ डायरेक्शन के ही परिणाम है। किसी टैलेंटेड लीडर के मन में कुछ नया खोजने की आतुरता की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी या दुनिया की पहली मोटर कार या दुनिया का पहला कंप्यूटर विकसित हुआ था। 4 दशक पहले हमारे एजुकेशन सिस्टम में सच में ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। अगर बंधे बधाए करिकुलम से कोई विद्यार्थी बाहर निकलना चाहता था तो उसे काल्पनिक, इमेजिनेटिव कहा जाता था। जबकि सच्चाई ये है कि आज तक जो भी इन्वेंट हुआ है वो इमेजिनेशन से ही हुआ है। आज का इमेजिनेशन ही कल का इन्वेंशन होता है। इमेजिनेशन द्वारा ही पत्थर प्रतिमा बन सकता है। इमेजिनेशन से ही वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसलिए सभी फैकल्टी मेंबर्स, कैडेट्स से मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि अप्रोच बदलने की जरूरत है। लाइफ और करियर स्किल्स पर उतना ही फोकस करिए जितना समय हम कोर सब्जेक्ट्स पर देते हैं। फर्स्ट तथा सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के 124 वर्षों में जितना नॉलेज विकसित हुआ था वो 1700 सालों के बराबर था। उसी तरह सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पश्चात 1940 से 2014 के बीच जितना नॉलेज विकसित हुआ था उतना पिछले 5 वर्षों में विकसित हुआ है।